नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। 18वीं लोकसभा के संसद सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के बाद चुने गए सांसदों ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। पहले दिन सपा अध्यक्ष पत्नी डिंपल यादव के साथ संसद पहुंचे। उनके एक हाथ में संविधान तो दूसरे हाथ में अयोध्या से जीते अवधेश प्रसाद का हाथ था। किसी ने अंग्रेजी, किसी ने हिंदी तो किसी ने संस्कृत में शपथ ली। कन्नौज से चुने गए सांसद अखिलेश यादव शपथ लेने के बाद अपनी सीट पर बैठे पार्टी के सांसदों से बात कर रहे थे। इसी दौरान शपथ लेने के लिए बिहार काराकाट लोकसभा सीट से जीते सांसद राजा राम सिंह जा रहे थे। जैसे ही वह सीढ़ियों से उतर रहे थे तो वह लड़खड़ा गए। राजा राम सिंह को लड़खड़ाता देख सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तुरंत दौड़ पड़े। हालांकि सांसद राजा राम सिंह ने खुद को संभाल लिया और अखिलेश यादव ने उनसे उनका हाल पूछा और अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। राजा राम सिंह ने काराकाट से निर्दलीय प्रत्याशी एवं भोजपुरी स्टार पवन सिंह को हराकर संसद पहुंचे हैं। सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव के इस वीडियो को लोग खूब शेयर कर रहे हैं और यह वीडियो जमकर वायरल भी है। वहीं आपको बता दें कि इस वीडियो के जमकर लोग सराहना भी कर रहे हैं। बता दें कि इस बार सपा ने यूपी की 37 सीटें जीती हैं, जिसमें सपा परिवार से 5 सांसद संसद पहुंचे हैं और अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव और आदित्य यादव चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। खैर, इस वीडियो पर और इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।